नमस्कार दोस्तों, आप लोग के ममिता साहनी कुकिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे आप लोग। तो हम आज फिर से हम नए रेसिपी लेकर आए हैं। आटा से हम बनाएंगे शक्कर पाड़ी। देखिए ये आटा है हमारा, इसे हम 2 कप आटा लेंगे, गेहूं के आटा लेंगे, गेहूं के आटा से बनाएंगे। ढार लेते हैं इसको, हम दूसरा कप भी हम ले लेते हैं। ये हमारा 2 कप हो गया। देखिए वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा, वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जो शक्कर पारे है बनाएंगे तो इसमें एक और चीज़ आपको हम दिखाते हैं। पूरा वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा, तभी मालूम पड़ेगा कि हम शक्कर पारे कैसे बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए सूजी है, इसको पीस कर ले लिए हैं पाउडर बनाकर फाइन। ये चीनी है, इसको भी चीनी को भी पाउडर बनाकर ले लिए हैं, ये भी हम डालेंगे इसमें दोनों। अब हम इसमें सूजी डाल लेते हैं, जो फाइन पेस्ट हम बना के रखे थे पाउडर, उसको। चीनी है, चीनी को हम डाल लेते हैं। चार चम्मच लगा रहे हैं हम। कोई भी सामान आप मेजरमेंट करने के लिए 1 कप सेट कर लेंगे ऐसा, तो आपको अच्छा रहेगा, परेशानी नहीं रहेगा बनाने में। तो हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेते हैं। अब इसमें हम बहुत बढ़िया खस्तापन लाने के लिए हम इसमें रिफाइन ऑयल 3 चम्मच के करीब हम डाल रहे हैं। बढ़िया से इसको हम मिलाते हैं अच्छे से। बढ़िया से देखिए इसको हम पूरा मिला लिए अच्छे से। देखिए मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये बंधेला दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसमें हम एक नरम डो नहीं लगाएंगे, टाइट डो लगाएंगे बढ़िया अच्छे से। इसको हम डो लगा लेते हैं बढ़िया से। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो जो हमारा आटा है पूरा गीला हो जाएगा तो शक्कर पारे हमारा बढ़िया नहीं बनेगा। देखिए बहुत बढ़िया हम डो लगा लिए, टाइट है पूरा। इसको हम 2-4 मिनट के लिए ढक कर रख लेते हैं। 2-4 मिनट के लिए रखेंगे, ज़्यादा मिनट के लिए नहीं। 2-3 मिनट बाद इसको हम चेक कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर सेट हो गया। अब इसको हम चकला लेते हैं, एक इधर रखते हैं चकला को, बीच में से इसको हम कट लगा लेंगे। अब इसको दबाते हुए अच्छे से हम बेलन से बेल लेंगे। उठा उठा कर बेलेंगे। बेल लिए इसको, किनारा से हम इसमें कट लगा लेंगे, फिर इधर से लगा लेते हैं, इधर से भी ये हटा देंगे। इसमें फिर से हम ऐसा कट लगाएंगे, फिर से हम चटकोन पूरा चरकोन लगाएंगे पूरा अच्छे से। देखिए
काट लिए। अब इसको एक एक करके हम निकालेंगे पूरा। तो ये देखिए पूरा अलग अलग कर लिए। अब एक हम बर्तन में रख लेते हैं इसमें उठाकर, पूरा दूसरा भी हम कट लगा लिए। देखिए पूरा इतना ही मोट आपको बेल कर कट लगाना है, बहुत बढ़िया लगता है। हमने कढ़ाई में तेल रख दिए हैं पूरा मध्यम आंच पर अच्छे से, ज़्यादा गर्म नहीं है और ज़्यादा ठंडा नहीं है। हम इसमें अब एक हम कलछी में लेके इसमें हम डाल लेते हैं पूरा। देखिए ऐसा करके इसको बहुत बढ़िया से हम अच्छे से तलेंगे पूरा। देखिए मध्यम आंच पर इसको पूरा तलना है, इसको बीच बीच में उलट पलट करके चलाना है। बहुत बेहतरीन लगता है शक्करपारी। इसको हम सभी को पलट लेते हैं। तो देखिए कितना गोल्डन सुंदर ब्राउन हो गया। अब हम निकाल लेते हैं एक झारा में ऐसा आला, इसमें निकाल लेंगे पूरा का पूरा। ये देखिए हम पास से दिखा रहे हैं आपको कितना खस्ता बढ़िया दिख बना है ये। हम एक प्लेट में दिखाते हैं ढार को, देखिए कैसा आवाज आ रहा है, कितना सुंदर। हम दूसरा भी डाल लेते हैं। दूसरा भी पूरा हम डाल लिए। अब इसको फिर से पलट लेते हैं अच्छे से। यकीन मानिएगा बनाकर ज़रूर एक बार आप लोग खाइएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपी आप लोग के कैसी लगी। दूसरा भी हम बहुत अच्छे से इसको उलट पलट करके बहुत अच्छे से इसको हम फ्राई कर लिए। अब इसमें हम निकाल लेते हैं फिर से। ये देखिए इसको भी हम निकाल लिए। देखिए कितना बढ़िया खस्ता दिख रहा है, बहुत अच्छा। इसको भी हम ले लेते हैं, दिखाते हैं आपको हम। तो ये लीजिए हमारा शक्कर पारे तैयार है, कितना बढ़िया। आप इसको स्टोर करके महीना भर के लिए रख सकते हैं या खा सकते हैं महीना भर के लिए। बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम आपको एक तोड़ के दिखा दे रहे हैं। ये देखिए कितना खस्तापन है इसमें, बहुत अच्छा। ये देखिए हम आपको पास से दिखा रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है। ज़रूर बनाइएगा अपना घर पर एक बार, हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत बढ़िया लगता है ये शक्कर पारे। ये देखिए कितना अच्छा इसको लुक भी दिख रहा है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यकीन मानिएगा बहुत अच्छा लगता है ये। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आई होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा कि हम वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल में जा पाए कि आप देख पाए, कुछ नया नया आप लोग सीख पाए, सीख कर आप बना पाए आप लोग। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।